यस स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन टीडब्ल्यूपीटी पेपर वन का सॉल्यूशन। देखिए क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, कॉम्पिटेटिव क्वेश्चंस की जब बात करते हैं और ये बेसिक लेवल का टेस्ट है, यहां से हम लेवल्स बढ़ाते चलेंगे। आपने टेस्ट पेपर दिया होगा और एक चीज समझिएगा कि जब मैं हमेशा बोलता हूं कि फाउंडेशन स्ट्रांग होना जरूरी है तो उसका मीनिंग क्या है वो समझो। उसका मीनिंग ये है कि आपके बेसिक्स कितने क्लियर हैं, आपका 10th 11th का क्वाड्रेटिक आता है कि नहीं आता, और जब क्वेश्चन देखो तो क्या क्या थॉट्स आना चाहिए। जैसे अगर हम इसमें क्वेश्चन नंबर 1 देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 में बोला द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3 मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 इज। अब एक चीज अच्छे से समझिए, अब जैसे ही मॉड फंक्शन आ गया, मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि एनालिसिस करो। एनालिसिस का मतलब केवल एक क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं होता, उससे रिलेटेड चार क्वेश्चन और क्या क्या बन सकते हैं वो भी सॉल्व करना है। तो अब जैसे ही मॉड फंक्शन आ गया तो आपको यहां पर मॉड फंक्शन के कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर करना चाहिए। मीन्स जैसे मॉड एक्स क्या होता है, पहले इसकी डेफिनेशन पे जाएं, तो एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन 0। यानी अब एक बेसिक चीज समझिए कि कभी ऐसा लिखा हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 5 मॉड एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0, अब समझिएगा कई जगह आप लॉजिक से भी क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। अब यहां पर एक चीज समझिए, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तीन पॉजिटिव का सम कभी 0 नहीं हो सकता। आप इस केस में इमीडिएटली बोलते नो सॉल्यूशन। अब सपोज आपको क्वेश्चन ऐसा दिया होता कि एक्स स्क्वायर माइनस 5 या प्लस 5 ले लेते हैं माइनस 6 इक्वल टू 0, जब कभी भी एक सिंगल टर्म निगेटिव हो जाए तो सॉल्यूशन के चांस होते हैं। सारे प्लस हो तो कभी मिल ही नहीं सकता, पर अगर कभी निगेटिव हो, अब इसमें हम दो केसेस की स्टडी करें। एक लें एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्या मिस्टेक होती है वो समझना जरूरी है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इक्वल टू 0, यानी एक्स प्लस 6 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, तो यहां पर टू रूट्स मिले आपको 1 एंड माइनस 6। जब आप कंडीशन लेस देन 0 लेते हैं तो आप लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 इक्वल टू 0, यानी x माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, तो आप बोलते हैं x इक्वल टू 6 और माइनस 1। अब ऐसा में देख के अगर आपने सपोज 4 सॉल्यूशन बोल दिया तो आपकी यहां मिस्टेक होना पक्की बात है। अब समझिए ये कंडीशन मीनिंगफुल होती है, इसका मतलब है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब पॉजिटिव रूट लें, इसका मतलब है निगेटिव यानी निगेटिव रूट लें, यानी यहां पर टू रियल सॉल्यूशंस होंगे। एंड सिमिलरली अगर इस क्वेश्चन को भी हम समझें तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 जब लेंगे, मैं मॉड का मैंने एक अलग से जो क्लास लिया पहले वो समझना आप उसको देखना, क्योंकि मॉड फंक्शन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है और इस पे बहुत क्वेश्चंस मिलते हैं, इसलिए इसका समझना बहुत जरूरी है। तो अगर मैं बोलूं एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो आप क्या करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, फैक्टर बनाते एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू 1 2 मिलता। अच्छा याद रखिएगा कि मॉड में एक चीज याद रखिएगा, मॉड एक्स इक्वल टू ए तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए, अगर मॉड में किसी नंबर का सॉल्यूशन पॉजिटिव है तो उसका नेगेटिव भी होगा, जैसे अगर प्लस 1 है तो माइनस 1 भी होगा, अगर प्लस 6 होता तो माइनस 6 भी होता। तो यहां पर एक चीज समझ में आती है, दोनों पॉजिटिव है तो अगर ये टू सॉल्यूशन है तो पक्की बात है माइनस 1 माइनस 2 भी होगा, आपको निकालना नहीं होगा। पर फिर भी अगर आप एक्स लेस देन 0 पे देखें तो आप लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ये नेगेटिव नेचर होता और इस समय सॉल्व करते तो मिलता माइनस 1 माइनस 2, यानी इस क्वेश्चन के नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हुए, 4 सॉल्यूशन हुए। राइट, नोट डाउन दिस क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सेकंड नंबर का क्वेश्चन क्या है, और देख एक चीज याद रखिएगा, क्वेश्चंस काफी सिंपल है। इफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 इज माइनस 2, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा। अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन मतलब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है माइनस सी बाय, यानी आप वो सॉरी सी बाय, तो अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अल्फा एंड दिस इक्वल टू माइनस 2 गिवन है क्वेश्चन में, यानी एक तरह से अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, देयरफॉर अल्फा इक्वल टू माइनस ऑफ 1। राइट, नोट डाउन दिस क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इफ वन रूट ऑफ 5x स्क्वायर प्लस 13x प्लस k इक्वल टू 0 इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, मींस एक अल्फा है तो दूसरा 1 बाय अल्फा एंड दिस इज c बाय a, बिल्कुल बेसिक कांसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं, तो k इक्वल टू कितना हो गया 5। देन नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 भी काफी सिंपल है, इफ वन रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस x माइनस k इक्वल टू 0,
इज स्क्वायर ऑफ द अदर देन द वैल्यू ऑफ के. एक रूट सपोज अल्फा है तो दूसरा अल्फा स्क्वायर, ये बोला गया है. क्या करेंगे, सिंपली सम ऑफ रूट्स की बात करें, माइनस बी बाय ए तो माइनस वन ये हो जाएगा, यानी अल्फा इंटू अल्फा प्लस वन इक्वल टू वन. प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात की जाए तो अल्फा क्यूब हो गया माइनस ऑफ के. अब आपको के का वैल्यू बताना है. आपके पास कई तरीके हो सकते हैं. एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप ऑप्शन से के का रख लें. एक तरीका ये भी हो सकता है कि इसका क्यूब कर दें. अब इसका क्यूब करेंगे तो देखिए क्या होगा, अल्फा क्यूब, अल्फा प्लस वन का क्यूब लिखेंगे, अल्फा क्यूब प्लस वन प्लस थ्री अल्फा इंटू अल्फा प्लस वन दिस इक्वल टू वन. अब अल्फा क्यूब के प्लेस पे आपने क्या पुट कर दिया, माइनस ऑफ के. तो समझिए माइनस के प्लस वन, ये इसका वैल्यू दिया है वन तो ये मिलेगा थ्री, दिस इक्वल टू वन. फाइनली देखिए फोर आपको ऐसा मिलेगा, फोर माइनस के, यानी आप ऐसा लिख सकते हैं माइनस के इंटू फोर माइनस के इक्वल टू वन, माइनस फोर के प्लस के स्क्वायर इक्वल टू वन, या के स्क्वायर प्लस फोर के स्क्वायर माइनस फोर के माइनस वन इक्वल टू जीरो. राइट, इसके फैक्टर्स बना लीजिए. ये आपके पास इक्वेशन बन गई, कितना फोर के माइनस का और प्लस का के स्क्वायर. अब आप क्या करेंगे, के इक्वल टू बी प्लस माइनस बी स्क्वायर, यानी 16 प्लस 5 20 बाय 2, के इक्वल टू 4 प्लस माइनस 2 रूट 5 बाय 2 या 2 प्लस माइनस रूट ऑफ 5, दिस इज द राइट आंसर. नोट करिए क्वेश्चन को, स्पीड में करते हुए चलते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा. क्वेश्चन नंबर अगर हम फिफ्थ की बात करें तो फिफ्थ क्वेश्चन काफी सिंपल है, इजीली आपको समझ में आएगा. देखिए फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ अल्फा प्लस बीटा, फिफ्थ है, इफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू थ्री एंड अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल टू सेवन, देन अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन. तो आपको बताना है कि अल्फा बीटा किस इक्वेशन के रूट्स होंगे. ऑब्वियसली ऑप्शन से कर सकते हैं, कैसे कि अल्फा प्लस बीटा थ्री दिया. देखिए आप अगर पहले देखें, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस नाइन एक्स प्लस सेवन, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाय, तो माइनस थ्री तो ए रिजेक्ट. पर अगर हम बी पे जाएं तो बी भी करेक्ट हो सकता है और सी भी करेक्ट हो सकता है. देखिए सी और बी में दोनों में ही वो कंडीशन वेरीफाई होती है, पर हमारे पास एक कंडीशन और है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब. चाहे तो आप इसे लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस थ्री अल्फा बीटा, दिस इक्वल टू 27, सॉरी सेवन ही दिया है, दिस इक्वल टू सेवन. अब अल्फा प्लस बीटा है थ्री, थ्री का स्क्वायर नाइन, माइनस थ्री इंटू अल्फा बीटा, अभी रहने दें थोड़ी देर के लिए, दिस इक्वल टू सेवन. इसका मतलब ये हो गया 27 माइनस नाइन अल्फा बीटा इक्वल टू सेवन. राइट, इसका मतलब ये हुआ कि आप ऐसा बोल सकते हैं 20 इक्वल टू नाइन अल्फा बीटा या अल्फा बीटा इक्वल टू 20 बाय नाइन, जो इस इक्वेशन में है, यानी दिस इज द करेक्ट आंसर. राइट, अगर आप थोड़े से भी लॉजिकल तरीके से सोचेंगे तो क्वेश्चन को ज्यादा इजीली कर सकते हैं, अदरवाइज आपको टाइम लग सकता है. फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर सिक्स की. तो देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्स में क्या बोला गया है. अगर हम क्वेश्चन नंबर सिक्स की बात करें तो द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ सिक्स माइनस एक्स पावर फोर प्लस एट माइनस एक्स पावर फोर इक्वल टू 16. कई क्वेश्चन आप समझिए कि ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बनते हैं. जैसे इस क्वेश्चन को मैं स्पेशली देखूं तो इस क्वेश्चन को मेथड से करके बहुत टाइम लग सकता है, पर मैं लॉजिक से बहुत जल्दी कर सकता हूं. कैसे, आपसे इस क्वेश्चन ने बोला द नंबर ऑफ रियल रूट्स. अब एक बार बताइए, यहां 16 लिखा है, ये जब भी हो सकता है जब 2 पावर 4 हो. इसका मतलब इसमें इसका या इसमें किसी एक का रिजल्ट 2 पावर 4 हो. आप सपोज x की वैल्यू 8 पुट कर दें तो ये 0, पर ये मिलेगा 2 पावर 4. x की वैल्यू सपोज 6 कर दें तो ये वैल्यू, यानी ये 2 पॉसिबल वैल्यू हो सकती है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, उसके अलावा इम्पॉसिबल है क्योंकि यहां पावर 4 है. राइट, तो नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन क्या हुआ इस इक्वेशन के, 2 नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन हुए. राइट, नोट कर लीजिए. यस, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेवेंथ की. देखिए क्या है और इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करना चाहिए. इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस टू सी एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो एंड एक्स स्क्वायर प्लस टू बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो ब्रैकेट बी नॉट इक्वल टू सी दिया हुआ है, हैव अ कॉमन रूट, देन ए प्लस
4b प्लस 4c इक्वल टू, मैं आपको इसका एक और तरीका बताता हूं। कॉमन रूट्स में हम क्या करते हैं, कॉमन रूट्स मतलब इन दोनों का कोई एक रूट कॉमन है, यानी एक बात पक्की हो गई कि जो आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर टू रूट्स हैं तो जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ऐसी कोई और इक्वेशन भी हो सकती है तो एक रूट कॉमन है, राइट। एक रफ डायग्राम दिया मतलब एक पॉइंट पर दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब एक चीज समझिए, इसका सबसे अच्छा तरीका, एक तो कॉमन रूट का हम जो क्रॉस मल्टीप्लाई से करते हैं पर उसमें टाइम लगता है, एक और तरीका होता है क्यों ना हम इसको सॉल्व कर लें, मतलब ये सॉल्व किया तो देखिए x कॉमन लिया 2x, 2x कॉमन लिया तो c माइनस बी प्लस बी माइनस सी इक्वल टू जीरो, ये ट्रांसफर हुआ तो x इक्वल टू 1/2, ये कॉमन रूट हो गया, x की वैल्यू 1/2 इसमें रख दीजिए तो क्या होगा, देखिए a बाय 4 प्लस 2 से 2 कैंसिल तो c प्लस बी इक्वल टू जीरो, या ऐसा भी बोल सकते हैं a प्लस 4b प्लस 4c इक्वल टू जीरो, यानी गिवन क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जीरो हुआ। ये भी एक अप्रोच होती है कॉमन करने के लिए कि एक्स स्क्वायर वाले टर्म को एलिमिनेट कर लो तो आपको हमेशा कंडीशन मिल जाएगी, कॉमन रूट मिल जाएगा, वो कंडीशन में रख दो तो आप सॉल्व कर सकते हैं, राइट। और दूसरा तरीका होता है आप क्रॉस मल्टीप्लाई से जो अब तक करते आ रहे हैं उससे भी आप कॉमन रूट निकाल सकते हैं। नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। यस, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की और समझते हैं इस क्वेश्चन नंबर 8 को कि इसमें क्या करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है वन रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 12 इक्वल टू जीरो इज 4, इसका एक रूट 4 है, वाइल द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू जीरो हैज इक्वल रूट देन द वैल्यू ऑफ क्यू। क्वेश्चन सिंपल है, इसका एक रूट 4 है तो 4 रख दिया तो 16 प्लस 4p प्लस 12 इक्वल टू जीरो, यानी p इक्वल टू माइनस ऑफ 7, राइट। p इक्वल टू माइनस ऑफ 7 क्योंकि आप यहां रखेंगे तो 28 बाय 4 करेंगे तो माइनस 7। अब यहां पर बोला है देन द वैल्यू ऑफ q, अब p की वैल्यू रख दी माइनस 7 तो x स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 7 इक्वल टू जीरो, इक्वल रूट मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो, तो पी स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू a इंटू a इंटू सी, तो ये माइनस 7 है इंटू 1, तो पी स्क्वायर ये हो गया कितना, पी स्क्वायर एक मिनट, आपने पी की वैल्यू निकाली, सॉरी पी की वैल्यू निकाली तो एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 7x प्लस क्यू इक्वल टू जीरो, तो 49 इक्वल टू 4q, तो क्यू इक्वल टू 49 बाय 4, राइट। ये 4q है, ये भी क्यू है, नोट कर लीजिए। चलिए अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9th। कुछ क्वेश्चंस को आप अगर इंटेलिजेंट तरीके से करेंगे तो हमेशा टाइम कम लगेगा, ये चीज पेपर देख के आपको हमेशा क्लिक करना चाहिए। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 9th में देखें तो देखिए क्या है, 9th में है द रूट्स ऑफ द इक्वेशन बी माइनस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए माइनस बी इक्वल टू जीरो आर। अब इसमें अगर आप ध्यान दें तो सारे ऑप्शन में कुछ ऐसा दिया है, जैसे ऑप्शन है सी माइनस ए अपॉन बी माइनस सी कॉमा 1, सभी में 1 दिया है और आपको देख के भी समझ में आ रहा है कि अगर मैं एक्स के प्लेस पे 1 रख दूं तो ये सेटिस्फाई हो रही है, यानी 1 तो रूट है। अब अगर एक रूट 1 है तो सिंपल दूसरा रूट फाइंड करना है। अब अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाय ए, एक रूट 1 है तो बीटा क्या आ गया ए माइनस बी अपॉन बी माइनस सी, तो आपको आंसर कितनी इजीली मिल गया, देखिए 1 ए माइनस बी अपॉन बी माइनस सी, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10th की। 10th बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10th 11th इस तरह के क्वेश्चंस में हमेशा कंफ्यूजन होता है, समझिएगा जरा ध्यान से क्या क्वेश्चन है 10th। देखिए 10th क्वेश्चन में बोला है द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ एक्स प्लस 1 बाय एक्स का क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 बाय एक्स इक्वल टू जीरो। आप समझिए इसको सिंपल तरीका, या तो आप समझने के लिए चाहें तो एक्स प्लस 1 बाय एक्स को y ले लें, तो एक तरह से ऐसा है वाई क्यूब प्लस वाई इक्वल टू जीरो, नहीं लेते तो भी चलता, वाई कॉमन वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू जीरो, वाई स्क्वायर प्लस 1 जीरो हो नहीं सकता, इम्पॉसिबल, वाई इक्वल टू जीरो, पर वाई इक्वल टू जीरो भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि कोई भी ऐसे नंबर और उसके रेसिप्रोकल का नंबर का सम कभी जीरो नहीं हो सकता। ये भी वही बना, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू जीरो, ये पॉसिबल ही नहीं है, एक्स की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो, यानी नो रियल सॉल्यूशन, यानी नो रियल
रूट, ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अदरवाइज आपके क्वेश्चन अटेम्प्ट कम हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 11th की क्या क्वेश्चन है समझते हैं। द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन x माइनस टू अपॉन x माइनस वन इक्वल टू वन माइनस टू अपॉन x माइनस वन। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको मुझे बतानी है वो ये है कि इक्वेशन हमेशा ये देखिए कि ओरिजिनल क्या फॉर्म में दिया है। अगर कभी, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ऐसे नोट्स बना के चलना, मैंने सारी जगह बताया हुआ भी है, कभी ऐसा लिखा हो कि a अपॉन b इक्वल टू c अपॉन b, ठीक है, और कभी ऐसा लिखा हो ए बी इक्वल टू बी सी, दोनों में क्या डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है। ओरिजिनली क्या दिया है ये देखना और समझना बहुत जरूरी है। तो अगर हम ओरिजिनली समझें तो यहां पर ऐसा दिया ए बी इक्वल टू बी सी, ए बी माइनस बी सी इक्वल टू जीरो, बी कॉमन, ए माइनस सी इक्वल टू जीरो, इसका मतलब बी इक्वल टू जीरो और ए माइनस सी इक्वल टू जीरो, यानी ए इक्वल टू सी। अब एक इंपॉर्टेंट बात, अब ऐसा दिया ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन बी, p by q में एक चीज हमेशा याद रखना है, q not equal to zero। जैसे ही ये देखो तो b not equal to zero एक necessary condition हो गई, जबकि इसमें b equal to zero हो सकता है। करते इसको भी वैसे ही cross multiply से कि ab minus bc equal to zero लिखा, b common, a minus c, b not equal to zero therefore a equal to c only, जबकि यहां पर हमने बोला b equal to zero भी और a equal to c भी। ऐसी छोटी छोटी चीजें जो ध्यान रखना है। तो जैसे ही ये क्वेश्चन आया आपके दिमाग में एक चीज स्ट्राइक करना चाहिए कि x की वैल्यू 1 तो नहीं होगी चाहे कुछ भी हो। अब जैसे यहां पर ये कैंसिल हो रहा है तो आपको x इक्वल टू 1 ही मिल रहा है पर 1 रियल रूट नहीं है, तो आप क्या बोलेंगे इस केस में, नो रियल सॉल्यूशन। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो बहुत जरूरी होती है याद रखना, अदरवाइज हमारा इसमें बहुत टाइम चला जाता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12th। कुछ क्वेश्चन काफी सिंपल है, उनकी मैं हिंट भी देता हुआ चलूंगा तो आप लोग कर लेंगे सॉल्व। जैसे 12th में बोला इफ अल्फा बीटा, 12th क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, देन द इक्वेशन हुज रूट्स इज सिंपल, टू अल्फा प्लस थ्री बीटा एंड थ्री अल्फा प्लस टू बीटा। तो आपको पता है इससे अल्फा प्लस बीटा निकाला आपने, माइनस बी बाय अल्फा बीटा निकाला, और ये एक रूट है एक रूट ये है, इनका सम और प्रोडक्ट से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। देन क्वेश्चन नंबर अगर हम 13 की बात करें तो 13 भी काफी सिंपल है, इफ अल्फा बीटा द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो, देन आपसे पूछा है अल्फा बाय बीटा, पिछले टेस्ट में भी इस तरह का क्वेश्चन था, बीटा बाय अल्फा प्लस रूट बी बाय ए, सिंपल है। अगर आप इसका एलसीएम लेंगे तो ये मिलेगा अल्फा प्लस बीटा अपॉन रूट अल्फा बीटा प्लस रूट बी बाय ए, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय अपॉन रूट बी बाय प्लस रूट बी बाय, ये कैंसिल हो गया तो मिला क्या, जीरो, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन क्या है समझिएगा और इसको कैसे करना है वो समझिएगा। 14 क्वेश्चन में बोला गया है कि इफ वन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, ये कर चुके हैं, एक अल्फा और एक वन बाय अल्फा है। नेक्स्ट देखिए 15 नंबर पे जो क्वेश्चन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस फाइव मॉड एक्स प्लस फोर इक्वल टू जीरो, देखिए तीन पॉजिटिव का सम कभी जीरो नहीं हो सकता, तो इसका आंसर होगा जीरो, यानी नन ऑफ दीज। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16, तो अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन फोर एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस सेवन इक्वल टू जीरो, देन द वैल्यू ऑफ, ये भी आपसे हो जाएगा, वन अपॉन अल्फा क्यूब प्लस वन अपॉन बीटा क्यूब, दिस सिंपल, तो इसको आप लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस थ्री अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा का होल क्यूब, राइट। नोट डाउन दिस क्वेश्चन, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या क्वेश्चन है समझिएगा, और देखिए एक बात याद रखिए, टेस्ट पेपर एनालिसिस दे रहा हूं, थोड़ा स्पीड में ही दूंगा क्योंकि जैसा मैं आपको बताऊंगा उस ढंग से आप जब करेंगे जब ही आपका स्कोर बढ़ेगा। फाउंडेशन में हमेशा धीरे धीरे पढ़ाता हूँ, बेसिक हमेशा धीरे धीरे, पर जब टेस्ट पेपर की बात आती है तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि आपको स्पीड में दूँ, और आप भी उतनी स्पीड में करें, उतनी स्पीड में आपके थॉट्स आएँ, बल्कि जो क्वेश्चन हो सकता मैंने लॉन्ग मेथड से किया आप ट्राई करें उसको भी शॉर्ट मेथड से करने का। अब देखिए क्वेश्चन 17 क्या है, इफ पी एंड क्यू आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी क्यू
इक्वल टू पी प्लस वन इंटू एक्स, मतलब ऐसा क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस पी प्लस वन इंटू एक्स प्लस पी क्यू इक्वल टू जीरो, देन क्यू इक्वल टू आपसे पूछा गया है। तो एक बात समझिए, अल्फा बीटा इक्वल टू दिया है पी क्यू, और अल्फा प्लस बीटा पी क्यू रूट दिए एक्चुअल में, तो पी क्यू इक्वल टू पी क्यू यानी क्या हो सकता है वैल्यू। तो आप एक चीज समझिएगा, इसके रूट्स क्या बोले हैं, पी एंड क्यू, इफ पी क्यू आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, और पी क्यू के टर्म में इक्वेशन दिए, मतलब एक तरह से ऐसा दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखिए आपसे क्यू की वैल्यू पूछिए, सम ऑफ रूट्स यहां पर देखें अगर हम ध्यान से, तो पी प्लस वन लिखा हुआ है, राइट। अब आपको पता है किसी भी इक्वेशन का फॉर्मूला ही होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इसका मतलब दोनों ही जो रूट्स हैं वो नेगेटिव होंगे जब भी यहां पॉजिटिव होगा। तो अभी आपसे क्यू पूछा है तो क्यू होगा माइनस वन, अगर एक रूट देखा जाए तो माइनस पी होगा, तो माइनस पी माइनस वन ये कॉमन हो गया, और माइनस पी इंटू वन करते तो ये कितना हो जाता प्लस पी क्यू, जिसकी जगह आप वैल्यू वन रख देते, राइट। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पर, देखिए 18 क्वेश्चन क्या दिया है, 18 में बोला है इफ बोथ ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो आर जीरो, अगर किसी इक्वेशन के दोनों रूट जीरो हों तो क्या कंडीशन होगी। आप ध्यान रखिएगा, अगर कभी भी सी की वैल्यू जीरो होती है तो इक्वेशन का एक रूट हमेशा जीरो होता है, एक जीरो एक नॉन जीरो, अगर बी की वैल्यू जीरो हो तो इक्वेशन के दोनों रूट्स या तो रियल होते हैं या दोनों इमेजिनरी होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर माइनस फोर दोनों रियल होंगे, एक्स स्क्वायर प्लस फोर दोनों इमेजिनरी, पर अगर बी और सी दोनों की वैल्यू जीरो हो तो यही एक ऐसा केस होता है जबकि दोनों रूट जीरो होते हैं, तो इसका मतलब बी एंड सी की वैल्यू जो है वो जीरो होगी, राइट। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर, 18 क्वेश्चंस को हम समझें तो हमें समझ में आएगा क्या करना है। इफ बोथ ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, सॉरी द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 8 टाइम्स ऑफ sec स्क्वायर अल्फ एक्स माइनस 6 sec एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 हैज इनफाइनाइटली मेनी रूट, एग्जैक्टली 2 रूट्स, एग्जैक्टली 4 रूट्स, नो रूट्स। अब देखिए मैं आपको हमेशा एक चीज बोलता हूँ कि किसी भी क्वेश्चंस को या किसी भी मैथ्स के टॉपिक पे कमांड में चार चीजें लगती हैं, थ्योरी, फॉर्मूला, कंसेप्ट, इंटरकनेक्शन बिटवीन टॉपिक्स। यहाँ पर साइन मतलब ट्रिग्नोमेट्री के साथ साथ क्वाड्रेटिक का कंसेप्ट लगेगा, यानी इंटरकनेक्शन कैसे हैं टॉपिक्स में ये यहाँ पर चेक करना होगा। अब क्वेश्चन बहुत सिंपल है पर मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक नहीं आता होगा तो ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। अब क्या करेंगे, देखिए 8 टाइम्स ऑफ sec स्क्वायर x माइनस 4 sec x माइनस 2 sec x प्लस 1 इक्वल टू 0, 4 sec x कॉमन लिया, देन 2 sec x माइनस 1 एंड माइनस 1 कॉमन लिया, देखिए 2 sec x माइनस 1। अब इसका मतलब sec x की एक वैल्यू मिल गई 1/2, एक मिल गई 1/4, दोनों ही इम्पॉसिबल हैं क्योंकि sec x है, यानी नो रियल रूट्स, राइट। नोट डाउन दिस क्वेश्चन, यस नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या क्वेश्चन है, 20 समझिएगा, द नंबर ऑफ रियल रूट ऑफ 3 इंटू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 7 एक्स प्लस 7 इक्वल टू 9 दिया, तो इसका मतलब 3 का स्क्वायर दिस इक्वल टू दिस, तो आपसे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगी, 2 एक्स स्क्वायर माइनस 7 एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0, 2 और 5 इसके फैक्टर बन जाएंगे। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए ये समझाने के लिए बता रहा हूँ, एक्स प्लस 2 x माइनस 5 अपॉन x माइनस 3 x माइनस x प्लस 6 इक्वल टू x माइनस 2 अपॉन, अब जैसे हो सकता है इसके रूट्स एक हो दो हो जितने भी हो, पर जैसे ही p बाय q का क्वेश्चन आए आपको एक चीज बिल्कुल क्लिक कर जाना चाहिए इमीडिएटली कि x की ये वैल्यू तो नहीं हो सकती 3 माइनस 6 और माइनस 4, ये बात ध्यान रखिए। अब इस क्वेश्चन को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ ऐसा ये मिलेगा, इधर ये मिलेगा, अब इसमें एक्स क्यूब भी कैंसिल होगा, हो सकता है स्क्वायर भी, आप मल्टीप्लाई एक्स क्यूब तो होना ही है, तो या तो क्वाड्रेटिक बनेगी या लीनियर इक्वेशन, तो नंबर ऑफ रूट्स मिल जाएंगे, पर वो रूट्स अगर इनमें से कोई हो तो कंसीडर नहीं करना। ये छोटी सी बात है बट इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है जिसका ध्यान रखिएगा आप लोग। फिर बात करते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर 22 पर, अगर हम 22 पर आए तो 22 में है 12x स्क्वायर प्लस mx प्लस 5 इक्वल टू 0 आर इन द रेशियो 3/2, अल्फा बाय बीटा कितना दिया है 3/2,
तो सिंपल है, आपसे हो जाएगा इजीली। फिर नेक्स्ट बात करते हैं 23rd। अब देखिए 23rd क्वेश्चन में क्या बोला गया है। 23rd क्वेश्चन में बोला है, ये बिल्कुल कॉमन रूट का फिर वही क्वेश्चन है, एक अच्छा समझिएगा। अ नॉन जीरो रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 लैम्डा इक्वल टू 0 एंड 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 लैम्डा इक्वल टू 0 इज कॉमन, देन द वैल्यू ऑफ लैम्डा। इसमें सिंपल 2 का मल्टीप्लाई कर लो, जो मैंने आपको तरीका बताया था, और माइनस कर दो। ये मिला x प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू माइनस ऑफ लैम्डा, राइट। ये माइनस लैम्डा यहाँ रख दो। क्या क्वेश्चन थी, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 लैम्डा इक्वल टू 0, तो लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा प्लस 3 लैम्डा इक्वल टू 0, यानी लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा, तो लैम्डा इक्वल टू 0 और माइनस 1, लैम्डा 0 है नहीं बोला है, तो आंसर हो गया माइनस ऑफ 1। यानी इस तरह से क्वेश्चंस को आप बहुत इजीली समझ सकते हैं। क्लियर है बात, नोट कर लीजिए क्वेश्चन। नेक्स्ट आते हैं 24th 25th उसी तरह के क्वेश्चन हैं, समझिएगा पूरे क्वेश्चन करते हैं हम। 24th है, इफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 एंड बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस ए इक्वल टू 0 हैव कॉमन रूट, इसमें ए का सॉरी बी का और इसमें ए का मल्टीप्लाई कर लें। अब बोला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC। सुनिए इसमें क्या करना है, ये लिखा है ए प्लस बी प्लस सी, इस पर फॉर्मूला अप्लाई करना है, और इससे जब आप कंडीशन निकालेंगे तो बिल्कुल श्योर हो कि ये कंडीशन आएगी। कुछ चीज़ें दिमाग में भी रखनी है। अब इसमें फॉर्मूला लगाएंगे तो ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, तो ये 0 हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 25th क्वेश्चन की। देखिए द इंटीग्रल वैल्यू ऑफ के फॉर विच इक्वेशन हैव कॉमन रूट्स, ये फिर वही क्वेश्चन हो गया, कॉमन रूट्स की बात करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। अब देखिए इसके तो रूट्स भी मिल रहे हैं, इसको लिख सकते हो x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 1, दो रूट्स आ गए माइनस 1 और 4, यहां रख दीजिए तो k का वैल्यू मिल जाएगा आपका। नोट करिए क्वेश्चन को।